पतंग हम पहले ले जा चुके हैं दुकान के लिए अपनी, और शॉप में आपको दिखाता हूँ। ओ भाई साहब, ये पूरी मार्केट है। शॉप का एड्रेस बताना। लाल कुआं पतंग। तो थोड़ी पतंग दिखा ना, ये सस्ती सस्ती थी, जो हमारे सब्सक्राइबर वगैरह अगर लेने आए तो कितने तक की पड़ जाएगी उन्हें? ये चार रुपए की पड़ेगी भाई। मेरे महबूब कयामत होगी, चलो 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 भाई साहब। आप सभी, उम्मीद करता हूँ भाई आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज भाई हम जाने वाले हैं 15 अगस्त के लिए चांदनी चौक, और हमें पतंग लानी है, थोड़ा सा मंजा लेके आना है। खैर पतंग हम पहले भी ले जा चुके हैं, क्योंकि अपनी एक पतंग की छोटी सी दुकान है, उसके लिए हमें पतंग भी चाहिए और मंजा भी चाहिए। तो अब चाइनीज़ मंजा तो बैन है दिल्ली में, तो हमें नॉर्मल मंजा चाहिए जो 15 अगस्त पे उड़ा सके, और अपनी छोटी सी दुकान है उस पर हम थोड़ा बहुत सेल भी करते हैं माल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपन बस यही है यार कि कभी कभार हम ब्लॉग नहीं शूट कर पा रहे आजकल। बाकी अभी एक दो महीने के बाद में भाई तुम्हारा भाई डेली ब्लॉग लेके आने वाला है, कोई अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आपके लिए डेली ब्लॉग लेके आऊँगा। तो अब मैं दिखाऊँगा आपको चांदनी चौक की पतंग मार्केट, और देखेंगे क्या रेट पे अब इस टाइम पे माल चल रहा है, क्योंकि पतंग का इस टाइम पे माल काफ़ी महंगा है बाज़ार में। बाकी नॉर्मल मार्केट के हिसाब से तो आप लोगों के लिए सस्ता है, अगर आप लोग जाएंगे लेने के लिए तो भाई आपको वहाँ पे मतलब सस्ता ही पड़ेगा इतना जो आप मार्केट से लोगे माल। और अगर आप ज़्यादा पतंग उड़ाते हो तो भाई आप वहाँ से ले सकते हो। भाई जा रहे हैं हम भी, अब देखते हैं। ये पतंग तो हम ले जा चुके हैं, बस मंजा चाहिए हमें थोड़ा बहुत, क्योंकि चाइनीज़ मंजा तो बैन है। हम धागे वाला लेंगे जो बच्चे वगैरह भी उड़ाते हैं, जो वाइट सद्दी वगैरह जिसे कहते हैं वो मंजा। बाकी चाइनीज़ मंजा तो प्लीज़ भाई चाइनीज़ मंजे से आप लोग भी मत उड़ाया करो, क्योंकि आपको पता है अभी न्यूज़ में आया था कि भाई एक बंदे का गला कट गया था
चाइनीज मंजे की वजह से, तो वो प्लास्टिक का मंजा होता है वो बिल्कुल ही बेकार होता है, जिसकी वजह से जो पतंगे कटती हैं हमारी रोडों पे, पतंग आके फंस जाती है पेड़ों पे ना, तो उसकी वजह से जब बंदा बाइक चला के तेज़ी से आता तो वो मंजा दिखाई नहीं देता प्लास्टिक का। और नॉर्मल मंजा जो होता है अपना, वो तो तुम्हें पता है कि भाई जैसे कि बारिश वगैरह आती है तो उसमें क्या है एकदम गल जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। और नॉर्मल मंजा प्लास्टिक का मंजा तो आपको पता भाई वो तो होता नहीं है, इसीलिए। तो भाई ये हम आ चुके अपने चिड़ियाघर वाली साइड पे, चिड़ियाघर वाली रोड है सामने वाली। पहले तो ये रोड पूरी बेकार हो रखी थी भाई, अब जाके थोड़ी बहुत ठीक हुई है, नहीं तो ये रोड हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। भाई चिड़ियाघर अपना शायद वो रहा उस कोने पे है, वहाँ से अंदर जाके चिड़ियाघर है, और यहाँ से हम जाते हैं तो अपना इंडिया गेट आ जाएगा। लंबी बत्ती है भाई। एक बत्ती खुल गई भाई, दूसरी बत्ती मतलब एक छोटी छोटी सी बत्ती है कि वहाँ से निकले और सीधा यहाँ पे आके रुक गए। वहाँ पे एक मिनट का टाइम था, यहाँ का जाम तो तब तक खुल जाना चाहिए था यार। अब यहाँ पे भी जाम है यार। मेरे महबूब कयामत होगी, चलो 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 भाई साहब। हेल्प करते रहना चाहिए भाई किसी की। हैं अब हेल्प कर देनी चाहिए भाई किसी की भी, कोई भी रास्ते में आपको मिले तो उसकी हेल्प जरूर कर दिया करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई अपन को भी किसी की हेल्प की जरूरत पड़ जाती है और कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है अच्छा बंदा जो अपनी हेल्प भी कर देता है। वैसे नहीं भाई, मेरी कई बार मेरी लोगों तो भाई फाइनली अपना लाल किला आ चुका है, और लाल किले से हम जाने वाले हैं सीधा। सीधा जाने के बाद में अंदर, क्योंकि जो लाल किले के सामने वाला गेट है, पहले हम बाइक लेके वहाँ से भी चले जाते थे बट वो बंद कर दिया, अब वहाँ से खाली पैदल वाले ही जा सकते हैं और रिक्शे वगैरह चलते हैं अंदर की साइड पे। और अपना लेफ्ट साइड पे देखो भाई लाल किला है पूरा का पूरा, ये रहा अपना लाल किला। बाकी संडे पे भाई यहाँ पे चोर बाजार जो कहते हैं ना, वो भी यहीं लगता है। यहाँ से तो फिलहाल पहले यहाँ लगता था जमा मस्जिद पे, पर ये बंद कर दिया है। अब इससे थोड़ा सा आगे जाओगे मेट्रो स्टेशन के वहाँ पे तो चोर बाजार वहाँ पे लगता है। और उसमें वो काफ़ी घूम के जाना पड़ेगा यार, क्योंकि ये रास्ता जो है सामने वाला ये तो है बंद, और हमें जाना है सीधा जाके अंदर। बाइक वहीं से जाएगी हमारी अंदर, बट हम शॉर्टकट से आए पीछे वाले रास्ते से, तो भाई अपने को जाम थोड़ा कम मिला, इसीलिए हम थोड़ा टाइम पर भी आ गए। लाल किले के सामने का गेट का है बंद कर रखा है भैया, ये लाल किला है भाई सामने, मगर यहाँ पे
कंटेनरों से बंद कर रखा है गेट इसका। बहुत बाकी बहुत जाम है भाई यहाँ पे। हमें अंदर जाना है लाल किला तो अपना रह गया भाई पीछे। अंदर तो हमें जाना है यहाँ से। यहाँ से अंदर जाएंगे भाई हम। तो भाई फाइनली तुम्हारा भाई चांदनी चौक में एंट्री कर चुका है और ये है भाई अपना चांदनी चौक के मार्केट, चांदनी चौक के बाजार। बट यहाँ पे भाई साहब जाम बेजोड़ जाम रहता है भाई। रोड पे से बड़ी मुश्किल से अंदर तक घुस पाए हैं, इसीलिए भाई वीडियो कर दिया था थोड़ा सा बंद, क्योंकि यार इतने जाम में कहाँ दिखाता मैं आपको कुछ। पसीना पसीना हो गया हूँ मैं खुद। तो भाई बहुत तगड़ा जाम है, बहुत बहुत बहुत। सबसे ज़्यादा तो यहाँ मिलना ही मिलना है भाई। वो शाम का टाइम था ना, ये रात का, ये दिन का टाइम है। दिन में तो मार्केट चलती है ना, ये शाम को बंद हो जाती है ना आधी। बहुत जाम है भाई बहुत। तो भाई मैं मिलता हूँ आपको मार्केट में पहुँचने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम है और ये आगे तक में। तो भाई फाइनली तुम्हारा भाई जाम से निकल के पहुँच गया मार्केट में, लाल कुआ मार्केट, पतंग मार्केट। और यहाँ से लेफ्ट मुड़ते ही भाई पूरी पतंग की मार्केट स्टार्ट हो जाती है। अब दिखाते हैं तेरे को देख पतंग मार्केट। ये ले आ गई, ये ले पतंग मार्केट, यही है। ओ तो ये है भाई पतंग मार्केट लाल कुआ, और हम पहुंच चुके हैं। कहाँ? यहाँ से। हाँ हम पहले भी तो लेके गए हैं यहाँ से, बट हमें लेनी है। हैं? क्या हाल है? ओह तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं शॉप पे। पतंग हम पहले ले जा चुके हैं दुकान के लिए अपनी, और शॉप में आपको दिखाता हूँ। ओह भाई साहब ये पूरी मार्केट है। और ये भाई की शॉप है भाई। भाई अपनी शॉप का एड्रेस बताना। लाल कुआ पतंग। तो थोड़ी पतंग दिखाना ये रे, सस्ती थी जो हमारे सब्सक्राइबर वगैरह अगर लेने आए तो कितने तक की पड़ जाएगी उन्हें? ये चार रुपए की पड़ेगी भाई। ये 5 रुपए की पड़ती है भाई उड़ाने लायक। और ये पड़ती है भाई 6 रुपए की। पतंग देख सकते हो भाई कितनी शानदार है। कितने रुपए? 800 रुपए सैकड़ा। तो भाई ये देख रहे हो ये वाली 800 रुपए सैकड़ा। इसे सामने देख लीजिए ना।
और बस ये उड़ाने लायक पतंग। अच्छा उड़ाने लायक पतंग तो यही है भाई, बाकी चलो हमें तो लेना है मंजा, तो भाई हम मंजा देखेंगे। तो भाई मंजा दिखाओ आप, मैं जूते उतार लेता हूँ। तो भाई पतंगे तो हम पहले ले जा चुके हैं, वो हम अपनी शॉप पे दिखा देंगे आपको बाकी पतंगे, और अब दिखाते हैं मंजा जो हम लेने के लिए आए हैं खास। तो भाई वो मंजा देख सकते हो आप कि भाई अपने पास में सारी वैरायटी का मंजा है और एक से एक मंजा है। ये चेरील का है भाई, अपना होलसेल रेट अलग है और रिटेल का रेट अलग है भाई। तो ये है भाई 450 रुपये का चेरील का, और मंजा आप देख सकते हो भाई फुल एकदम धारदार मंजा। तो भाई फाइनली तुम्हारे भाई ने मंजा भी ले लिया है, और पतंग तो अपन पहले ले जा चुके हैं, और बाकी शॉप है भाई भाई की। अगर किसी भाई को लेना हो मंजा या पतंग तो भाई की शक्ल दिखाई चुका हूँ, देख लेना ले लेना। अब निकलते हैं घर को और फिर मिलते हैं फिर दुकान पर। तो भाई फाइनली मंजा पतंग ले लिया तुम्हारे भाई ने, और अब अपन निकलने वाले हैं घर को भाई। और काफ़ी धूप हो रही है यार मार्केट में, और जाम भी बहुत है, यहाँ से निकलना भाई बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बट हम निकल जाएंगे। अरे अभी तो थोड़ी देर पहले इतना जाम था, थोड़ा सा तो खाली मिला यहाँ से। बाकी ये वाला जो रोड है ये तो भाई बंद कर रखा है, यहाँ से हम जा नहीं सकते, हमें सीधा ही जाना पड़ेगा यहाँ से। ओ भाई जरा जरा सी जगहों में से निकालनी पड़ रही है भाई गाड़ी। अरे रिक्शा वाला भाई निकाल ले पहले, अब हम निकालेंगे। यूटू कर रहा है यूटू। अरे यार बहुत जाम है भाई बहुत, और यहाँ से जाओगे तो भाई ये चांदनी चौक मार्केट है, यहाँ से पूरी सीधी जहाँ पे आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आपको मिल जाएगी भाई, बहुत तगड़ा जाम है। मैं बाहर मिलता हूँ यार। तो भाई फाइनली निकला है भाई रोड पे, भाई बंदर बहुत तगड़ा ही जाम है यार, मतलब वहाँ पैदल चलने लायक जगह ठीक है यार, बाइक से तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है, और बाइक से यार निकलने में बड़ी परेशानी होती है वहाँ से। की तो निकल चुके हैं, अब देखते हैं घर कितनी देर में पहुँचते हैं। बाकी यार तुम्हारा भाई ना बिल्कुल गर्मी के मारे पसीना पसीना हो रहा है कि आ गया भाई पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। गाँव चले, हाँ भाई आधी गांव चल रहा है, गाँव चल रहे, रेलवे स्टेशन आ गया वहीं उड़ाएंगे पतंग। यार अरे भाई हो बहुत धूप है यार, बहुत ज़्यादा ही। हंगी गार्डन में घूम रहा है ये तो भाई। अब यहाँ की बत्ती कहाँ पे है, मुझे तो कहीं दिखनी थी। सीधा सीधा तो आए थे मगर यहाँ की कोई बत्ती भी तो दिखनी चाहिए इसकी, सारी बत्तियां तो गोल हो रखी है। ओए होए बस के पीछे से तो आग निकल रही है, आधी आधी बस के पीछे से आग निकल रही है भाई, इसके पीछे नहीं चल सकता भाई मैं। निकाल ले भाई निकाल दे, मुझे भी निकालने दे।
उसके पीछे तो आग सर की आग, जल जाएगा बंदा इतनी आग। ओ भाई, तो भाई जाम है यहाँ पे बहुत सारा। मैं वीडियो को करता हूँ यहीं पर एंड, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।